कोरोना अलर्ट के बीच देश में फिलहाल मास्क लगाना नहीं होगा जरूरी। सैंपल के लिए एयरपोर्ट पर नहीं रोका जाएगा। मंगलवार को देश भर के अस्पतालों में होगी मॉक ड्रिल। 24 दिसंबर से देश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्टिंग होगी शुरू और विदेश से आने वाले 2% यात्रियों की होगी टेस्टिंग। BF.7 वेरिएंट की दहशत के बीच बूस्टर डोज लगवाने वालों की संख्या में इजाफा। बीते 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा लोगों ने लिया सुरक्षा का टीका। देश में आज से लगेगी भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन और कोविन प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। फिलहाल प्राइवेट अस्पतालों में ही लगाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज भी कोरोना को लेकर बैठक करेंगे। थोड़ी देर में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड की स्थिति और तैयारियों पर बैठक। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। कोविड को लेकर एम्स स्टाफ को निर्देश, अस्पताल में 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा न होने दिया जाए और बुखार होने पर कोरोना टेस्ट करवाने के निर्देश। कोविड के बीच शिरडी साई बाबा ट्रस्ट भी अलर्ट है, दर्शन के लिए मास्क लगाने की अपील। मंदिर परिसर में कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने लगे लोग। ताजमहल पर विदेशी पर्यटकों की स्क्रीनिंग शुरू हो गई है, स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई है सतर्कता। चीन, जापान, अमेरिका से आने वाले लोगों पर नजर। कोरोना को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है, कहा हरियाणा सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। कोरोना के मामलों को लेकर राजस्थान में अलर्ट है। चिकित्सा सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने स्वास्थ्य भवन में ली है राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक और बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ कोविड प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा की। प्रदेश के सभी पॉजिटिव केसेस में नए वेरिएंट की पहचान करने के निर्देश। सीएम गहलोत ने भरतपुर को दी है 750 करोड़ की विकास कार्यों की सौगातें और किसान सभा को भी संबोधित किया। बोले कोई भूखा नहीं सोएगा, ये यहां पर संकल्प साकार हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही सरकार के 4 साल पूरे होने पर यहां पर सूचना जनसंपर्क विभाग की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया और छात्राओं को स्कूटी भी बांटे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरीके से बजट की तैयारियों में जुटे हुए। उद्यमियों, किसानों, जनप्रतिनिधियों, व्यापारी और श्रमिक संगठनों के साथ अब गहलोत सरकार ने यहां पर महिला प्रतिनिधियों और महिला उद्यमियों, प्रोफेशनल्स और छात्र प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद किया है। राजस्थान में बीजेपी कोविड प्रोटोकॉल के साथ जारी रखेगी जन आक्रोश यात्रा और जनसभाएं। केंद्र की एडवाइजरी के बाद अंतिम फैसला होगा। तो अपने फैसले से पलटी प्रदेश बीजेपी, जन आक्रोश यात्रा स्थगित करने का फैसला लिया वापस। कहा केंद्र और राज्य सरकार की एडवाइजरी जब तक नहीं जारी होगी तब तक यात्रा जारी रहेगी। जल जीवन मिशन में गड़बड़ी करने वाली कंपनियों को लेकर जलदाय विभाग सख्त हुआ है, दोषी कंपनियां अब ब्लैकलिस्ट होगी। जी राजस्थान की खबर का असर देखने को मिला। अलवर में घटिया क्वालिटी के पाइपलाइन का मुद्दा उठाया था। चौक एसीबी की बड़ी कार्रवाई, सोहेला पटवारी नारायण लाल सेन को यहां पर रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड में एनआईए की चार्जशीट में बड़ा खुलासा, पाकिस्तान में रची गई थी मर्डर की साजिश। चार्जशीट में 11 आरोपियों के नाम। सरदारशहर में स्थित करणी माता मंदिर को तोड़ने के आदेश, हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद श्रद्धालुओं में आक्रोश, 4 जनवरी तक इस मंदिर को तोड़ा जाएगा। रोड से 75 फीट की दूरी में मंदिर आता है और उसको लेकर शहर के मिलाप बाली नाम के व्यक्ति ने जोधपुर हाईकोर्ट में मंदिर को हटाने की याचिका दायर की। स्थानीय लोगों ने इसकी चेतावनी दी है और मंदिर की एक ईंट तक यहां से नहीं हटाने की चेतावनी। जयपुर के सुशीलपुरा में आवारा पशुओं को पकड़ने गई टीम का विरोध हुआ है और लोगों के विरोध के बाद टीम वापस बेरंग लौटी है। सड़कों पर आवारा पशुओं के विचरण से आए दिन हादसे होते हैं।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के तहत लक्ष्य हासिल करने की दिशा में एक और कदम उठाया गया। 1056 करोड़ रुपए की संशोधित लघु पेयजल योजनाएं स्वीकृत की गई है। 1,18,000 से अधिक जल कनेक्शन होंगे। भीलवाड़ा शहर के कोतवाल थाना इलाके में कोहरे का कहर देखने को मिला। मॉर्निंग वॉक पर निकले प्रॉपर्टी कारोबारी को एक बेकाबू ट्रोले ने कुचल दिया और जिसके कारण उनकी मौत हो गई। हादसे में युवक की मौत के बाद लोगों की नाराजगी देखने को मिली है। समाज के लोगों ने 1 करोड़ के मुआवजे की मांग करते हुए हंगामा कर दिया। विरोध में भीलवाड़ा के बाजार भी बंद करवाए गए। उदयपुर के बोहरा गणेश इलाके में हंगामा देखने को मिला। आपस में छात्र गुट भिड़े हैं। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है और आए दिन होने वाले झगड़े से स्थानीय लोग परेशान हैं। जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके में साथी कर्मचारी ने एक कर्मचारी की चाकू गोदकर हत्या कर दी। आरोपी आरएफ ने अपने साथियों के साथ मिलकर सबीर की हत्या कर दी। उधर फ्लिपकार्ट के ऑफिस में साथ काम करते थे। और वहीं जयपुर शहर में एटीएम धोखाधड़ी मामले में पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अमन सिंह ने दर्जन एटीएम कार्ड बदलकर ठगी की वारदात कबूली है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में आरोपी पूर्व अधिवक्ता गोवर्धन सिंह प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार हुआ है। मुलजिम से जब्त पेन ड्राइव में नाबालिग बच्चों की उम्र तकरीबन यहां पर बच्चों की उम्र के तकरीबन 100 अश्लील वीडियो मिले हैं और वहीं पेनड्राइव में 40 महिलाओं के भी अश्लील फोटोग्राफ्स मिले हैं। बांसवाड़ा जिले के सुंदरपुर गांव में एक युवक ने बाइक से पेट्रोल निकालकर अपने ही ऊपर छिड़क लिया और आग लगा दी। इस हादसे में गंभीर रूप से झुलसा है युवक, जिसे परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा थाना पुलिस ने यूएस के लोगों से ठगी करने वाले एक छात्र ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी ठग फर्जी कॉल सेंटर खोलकर भारत में बैठकर विदेश के लोगों से ठगी करता था। कोटा की रामगंज मंडी में 18 नवंबर को युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया और पुलिस ने वारदात में शामिल 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ में चड्डी चोर गैंग ने शहर में उत्पात मचाया है। शहर में अलग अलग जगहों पर यहां पर चड्डी चोर गैंग के लोग जो हैं वो सीसीटीवी में कैद हो रहे हैं और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर उनकी तलाश कर रही है। राजसमंद के नागद्वारा में बस स्टैंड पर अचेत अवस्था में युवक मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अजमेर के कुंदनगर में एक मकान में एलपीजी की अवैध रिफिलिंग कर मुनाफाखोरी के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। रसद विभाग की टीम ने दबिश देकर गैस एजेंसी के समांतर चल रहे एलपीजी प्लांट को पकड़ा है और जुगाड़ पंप से घरेलू सिलेंडर से व्यावसायिक सिलेंडर बनाने का कारोबार चल रहा था। डूंगरपुर जिले के निठाउआ थाना पुलिस ने 2 दिन पहले राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल रीछा में पोषाहार सामग्री और अन्य चोरी करने के होने की वारदात का खुलासा किया है और पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा जिले के चीचट ग्राम पंचायत के वार्ड पंचों ने माइनिंग इंजीनियर और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर एक्सप्रेस हाईवे निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया है। वार्ड पंचों का कहना है कि चीचट क्षेत्र में चल रहे एक्सप्रेस वे के काम में अवैध तरीके से मिट्टी की खुदाई की जा रही है। धौलपुर के सर्वथरा उपखंड में डिस्कॉम ने बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4,50,000 के बकाया पर मलपुरा और यहां पर रिक्शरा की बिजली बंद कर दी है। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र के खोरा मोहल्ले में दोपहर 4 साल के बालक के अपहरण की सूचना मिलने पर इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अलवर के रामगढ़ में नर्सिंग कर्मियों की लापरवाही के चलते मुश्किल में आई गर्भवती और उसके नवजात की जान यहां पर। आपको बता दें कि अस्पताल में तड़पती रही गर्भवती महिला और नर्सिंग कर्मी बेपरवाह गहरी नींद में सोते रहे और इधर मजबूर पति ने जनरल वार्ड में अपने हाथों से पत्नी की डिलीवरी करवाई। बांसवाड़ा में बड़ा हादसा हुआ है। स्कूली बच्चों से भरी हुई जीप और डंपर की टक्कर हुई। इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई जबकि 10 बच्चे घायल हुए हैं। बड़ोदिया गांव के पास ये हादसा हुआ। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।